हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक, मीन्स जो प्राकृतिक डिजास्टर होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, उनमें से एक आपदा होती है आपकी अर्थक्वेक, भूकंप। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भूकंप होता क्या है, ये इसके आने का कारण क्या होता है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये हमारे इस टॉपिक, इस वीडियो में कंटेंट्स रहेंगे। हम पढ़ते हैं भूकंप होता क्या है। भूकंप, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, नेचुरल आपदा है जो अचानक से आती है और किसी भी बिना पूर्व सूचना के अचानक से घटित होती है। ठीक है, मीन्स ये इसमें होता क्या है कि भूकंप एक तरह से क्या है कि जो अर्थ होती है इसमें कंपन्स क्रिएट होते हैं जिससे सब कुछ हिलता डुलता है, तो ये भूकंप कहलाता है। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि ये एक वेव दौड़ती है अर्थ के अंदर, एक तरंग दौड़ती है जो कि बहुत फास्ट गति से दौड़ती है। इसे भूकंप की संज्ञा दी गई है, भूकंप उसका नाम दिया गया है, अर्थक्वेक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसको देख लीजिए एक बार आप, जो आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो अर्थ का अपर सरफेस होता है, अपर लेयर, वो कुछ प्लेट्स से मिलके बना होता है, जिन प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, ये लगभग 12 प्लेट्स होती हैं अर्थ के अपर सरफेसेस में, ये उनसे मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होता है कि इन अपर सरफे जो जो सरफेसेस होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, ये सेमी लिक्विड, जो एक लिक्विड टाइप का होता है, उसमें ऊपर तैरती रहती हैं और आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाती रहती हैं, और जिसमें कभी कभी क्या होता है कि ये इतनी तेजी से टकराती हैं किसी डिस्टर्बेंस की वजह से कि वो अर्थ के अपर सरफेस पर आता है और उससे वो एक मोशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या एक्चुअली जहाँ से ये शुरुआत होती है, जिसकी जहाँ से जहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं केंद्र, भूकंप का केंद्र। और जहाँ पर अर्थ सरफेस पर आकर निकलता है इसको बोलते हैं इपिक सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भूकंप घटित होता है। ठीक है ना, तो ये था कि भूकंप आती कैसे है, वेव आती किस लिए है, क्योंकि वो टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उनके आपस में मोमेंट या टकराव की वजह से ये भूकंप आता है। ठीक है, तो ये था भूकंप आता कैसे। इसमें क्या होता है, देखो आप, इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्लेट्स मूव करती हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट दिखाया गया, हाइपोसेंटर कह लीजिए इसको या फिर इसको फोकस कह लीजिए। एक्चुअली ये सेंटर मेन पॉइंट होता है और जहाँ से ये भूकंप पैदा होता है, जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है, और ये अर्थ ऊपर आते आते जहाँ जिस पॉइंट पर आके निकलता है ये तरंग, इनको बोलते हैं इपिक सेंटर, मीन्स जहाँ पर ज़्यादा लॉस होता है तो इसको बोलते हैं इपिक सेंटर। तो ये था कि भूकंप आता कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भूकंप, हम पढ़ते हैं भूकंप को किस तरह से हम माप सकते हैं। ठीक है, भूकंप को मेजर करने के लिए एक रिक्टर स्केल की आवश्यकता होती है, और उसको उस पर रिक्टर स्केल पर ही भूकंप के परिणाम को मापा जाता है। एक्चुअली भूकंप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो मार्केली पैमाने पर मापी जाती है। इसकी इंटेंसिटी किस पर मापी जाती है, मार्केली स्केल पर। भूकंप के परिणाम के आशय से भूकंप द्वारा प्रसारित भूकंपीय ऊर्जा की माप होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक भूकंप का केवल एक ही परिमाण होता है होगा। भूकंप की तीव्रता किसी क्षेत्र की पृथ्वी के कंपन की तेजी से प्रदर्शित करती है। प्राय देखा गया है कंपन की तीव्रता भूकंप के अधिकेंद्र मीन्स इपिसेंटर, जहां पर यह अर्थ पर निकलता है, के समीप अधिकतम होती है, तथा उससे दूर कंपन की तीव्रता उत्तरोत्तर कम होती जाती है। मीन्स जहां पर यह भूकंप स्टार्ट होता है, जहां पर वो आपका हाइपोसेंटर से एपिसेंटर पर आता है, अधिकेंद्र पर आता है, वहां पर तो ये अधिक होता है। और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इसकी वेव चलती है ये वेव, तो वैसे वैसे ही इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भूकंप के दौरान किसी परिमाण तो भूकंप का परिमाण तो एक होगा, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता के लेवल अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है, मीन जैसे हम बोलते हैं कि 7.9 आया है, 6.7 आया है, तो वो उसकी भूकंप की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि इंटेंसिटी का जो लेवल होता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस एपिसेंटर से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे वो इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती है। तो इस तरह से हम भूकंप को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेव
विनाशकारी शक्ति का मतलब होता है कि हाँ, ये अर्थक्वेक जो भूकंप होता है ये कितना हार्मफुल है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई भूकंप, हमने बताया कि भूकंप का जो सेंटर होता है वहाँ से वो निकलेगा, तो वो इपिक सेंटर से होकर निकलता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उसका लॉस, कि ये जो इपिक सेंटर है वो कैसा है, वहाँ की सोइल कैसी है। अगर वो सॉफ्ट सोइल है तो सोइल उस ज़्यादा लॉसेज होगा, है ना। अगर वो थोड़ा ठोस है, सॉलिड्स है, थोड़ा सा रॉक टाइप का है, तो वहाँ लॉसेस कम होगा। तो ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, जहाँ पर वो इपिक सेंटर मीन्स जहाँ पर ये मेनली घटित होता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर जाता है वैसे वैसे ही उसका जो सोइल का नेचर होगा वैसे वैसे उसका नुकसान होता है अर्थ का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ये अदर चीज़ों को कैसे कैसे नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे भूकंप आता है वैसे वैसे ही इंसान, अगर वो बिल्डिंग जहाँ पर वो भूकंप आया वहाँ की बिल्डिंग कमज़ोर है, बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे लोग आके मर जाते हैं, और बहुत सारा इस तरह से ना आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसमें जितना भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर होता है, वो सब आपकी लाइफ एक तरह से डेंजर इन डेंजर आ जाती है। तो इस तरह से क्या है कि एक बड़ा ह्यूज लॉस होता है ह्यूमन्स लाइफ्स का, चाहे ह्यूमन्स लाइफ्स हो, चाहे एनिमल लाइफ्स हो, चाहे वो प्लांट्स लाइफ्स हो। तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है भूकंप के आने से ह्यूमन लाइफ्स का। ठीक है, सेकेंड, और तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने फोटो में दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे ब्रिज टूट गया है ना, भूकंप से ब्रिज टूट जाता है, या आपका लैंडस्लाइड दिखाया गया कि लैंडस्लाइड हो जाती हैं, तो इस तरह से ये इसका नुकसान होता है। और अब माल संपत्ति की हानि, जैसे कि आपका भूकंप आया तो वहाँ पर इमारतें जो होंगी उनका वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, रेलवे लाइन गिर जाती हैं, बिजली टेलीफोन की लाइनें टूट जाती हैं। ठीक है ना, पुल क्षतिग्रस्त रहते हैं, जैसे हमने इसमें देखा कि पुल टूट गया, ये सब लॉसेस है ना, ये सब माल की भी हानि है और जन की भी हानि है। और आपका आग लग जाता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, है ना, बांध ध्वस्त हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जो आपका हिल एरिया है वहाँ पर आपका भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड्स, इस तरह से ये जो अगर ये हिलेगा, अगर ये सोइल्स आपकी मजबूत होगी यहाँ पर तो ये थोड़ा सा कम गिरेगा, लेकिन अगर सोइल सॉफ्ट है तो आसानी से एकदम से ढह जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन या मीन्स लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से लॉसेज हैं। और यातायात ठप हो जाएगी, सड़क टूट जाएंगी, ब्रिज टूट जाएगा, तो यातायात तो ठप होगी, हो ही जाएगी। विद्युत आपूर्ति और संचार प्रणाली में इसका इफेक्ट पड़ता है, मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स टूट गई कहीं पे, खंबा टूट गया, या फिर जहाँ पर वो आपका टेलीफोन लाइन्स टूट गई, तो उससे जो विद्युत आपूर्ति होगी क्षेत्र में जाने वाली वो टूट जाएगी, आपकी विद्युत आपका संचार प्रणाली से इफेक्ट होगी। अगर आपका पाइप कहीं पर फूट जाता है लैंडस्लाइड होने की वजह से, या रोड स्थिरीकृत होने की वजह से, जहाँ पर एक पाइप बिछा है तो पाइप टूट जाएगा, तो उससे क्या होगा, जल की आपूर्ति में कमी आएगी और जल वितरण होने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, और अगर ये आपका भूकंप आपका समुंदर में आ रहा है, तो समुंदर में आने की वजह से उसमें जो एक तरह से लहर पैदा होगी, तो उसको सुनामी बोला जाता है। तो इस तरह सुनामी आने से बहुत बड़ी घटना, मतलब ज्वारे भाटा के रूप में बड़ी लहर होती है पानी की, जिससे आसपास जो पानी समुद्र के किनारे या पानी के किनारे जनजीवन व्यतीत रहते हैं, जो पशु, इंसान, फल, पेड़ पौधे, सबका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लैंडस्लाइड के हम बारे में बात कर चुके हैं पहले, लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, अब हमने देखा इसका इफेक्ट्स कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं भूकंप के आने के। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते, एक विनाशकारी पहले की बार परिस्थिति देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। कि निम्नलिखित परिस्थितियाँ, जैसे कि नगर और कस्बों के घनों क्षेत्र में अधिक, जहाँ पर मीन्स ज़्यादा घनत्व तो होगा, तो मीन्स ह्यूमन डेंसिटी, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विनाश होगा, मीन्स बहुत बड़ा लॉस होगा। जहाँ पर बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपने लोगों ने देखी होगी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। भूकंप से बचाव की अगर व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंप रोधी व्यवस्था के बिना भवनों का निर्माण करना, मीन्स जहाँ पर पता है कि भाई ये संवेदनशील क्षेत्र है, मीन्स भूकंप आने के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ पर अगर भूकंप रोधी व्यवस्था नहीं की गई है, बिना व्यवस्था के भूकंप अपने भवन बना दिए गए, तो उनके निर्माण की वजह से भी एक बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपका लो क्वालिटी के भवन का निर्माण अगर किया गया है, तो उसमें भी जब सीमेंट नहीं सही से लगाया, ईंट मसाला सही से यूज नहीं किया, तो उसकी वजह से जो भवन की क्वालिटी होगी वो बहुत घटिया होगी, और उससे भी बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर होगा। और भूकंप के
तो भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, दो लोगों को जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, अगर जानकारी नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब हम कैसे बढ़ेंगे कि भूकंप को हम कैसे भूकंप का विनाशकारी प्रभाव से मीन इतना ज़्यादा नुकसान होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अब उसके लिए हमें तीन सावधानियाँ, तीन प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। एक तो भूकंप आने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, भूकंप हो रहा है तो क्या क्यों प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए जिससे कम से कम लॉस हो, और भूकंप हो जाता है, होके निकल गया, हो गया, उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, उसके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो भूकंप पहले बात करेंगे, भूकंप आने से पहले बरती जाने वाली सावधानियाँ। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जो आप संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो आवास विकास जो योजनाएं होती हैं उनका अनुपालन करते हुए भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर वो सही होंगे तो वहाँ पर लॉस कम से कम होगा। भवनों के में स्थित सभी विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल और गैस जो अप्लायंसेज हैं उनको संयोजित प्रॉपर वे में होना चाहिए। साथ ही भलीभांति से कैसे वे भी टॉयलेट भी होनी चाहिए। ठीक है, भारी सामान या भारी वस्तुओं को जहाँ तक हो सके मकान के अधिक ऊंचे स्थानों पर नहीं रखा जाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण जागरूक होना चाहिए, सबके बारे में पहले से पता हो, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि क्या होना चाहिए, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उससे बचना है। पूरे परिवार का एक आपातकालीन झोला तैयार करके रखा जाना चाहिए ताकि भूकंप उसका आदि उसका प्रयोग भूकंप के दौरान किया जा सके। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें पहले लेनी चाहिए। अब देखो, अब भूकंप आ गया तो हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग भूकंप ना, पहले तो हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा काल में रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कि अपने आप को जितना हो सके तो तुरंत, अगर आप कमरे के अंदर हो, मकान के अंदर हो, तो अपने आप को तुरंत झुक कर कवर कर लो। ठीक है ना, किसी बेड के नीचे, तकिए के, चेयर के नीचे, सॉरी टेबल के नीचे, या कुछ जो ठोस चीज़ हो उसके पास, मजबूत, उसके पास चले जाइए। ठीक है, अगर आप उस थोड़ा सा, और विंडो से हमेशा दूर रहें, और जो अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हमेशा दूर रहें, और अगर आप जा सकते हो तो बाहर जितना दूर जल्दी हो सके भाग के वहाँ से आप सेफ जगह पर पहुँच जाएँ, तुरंत इवैक्यूएट कर दें उस जगह को। ठीक है, तो ये था कि हम भूकंप के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, अभी भी बात करिए कि भूकंप के दौरान हमें अभी टेंशन लेनी चाहिए, फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालना संभव हो सके तो निकाल देना चाहिए, और सीढ़ियों के पास कभी खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है सीढ़ियों गिरने का भूकंप के टाइम पे। भूकंप के दौरान यदि व्यक्ति मकान के बाहर हो तो उसे मकान से दूर खुले स्थान पर तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब करते हैं भूकंप के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, भूकंप के बाद हमें क्या क्या सावधानी है कि हमें जो अथॉरिटीज होती हैं उनके जो भी वो डायरेक्शंस देती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। विशेषकर आग से जले हुए या पाइपों के फटने से जख्मी व्यक्ति की प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत उनका व्यवस्था कर देना चाहिए। आपातकालीन इमरजेंसी सर्विस है उनके लिए तुरंत अवेल करा देना चाहिए। भूकंप के तुरंत बाद किसी भी क्षतिग्रस्त भवनों को की ओर वापस मुड़कर तुरंत कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक बार आ जाते हैं तो दोबारा आने के चांस इसमें काफ़ी होते हैं। भूकंप के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्र का देखने या केवल जायजा हेतु भूकंप क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे किए गए रक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर होता है कि जो इमरजेंसी पैकेजेस होते हैं रेडियो के हाथ से नज़दीक ही रखा होना चाहिए। ठीक है, फिर भूकंप के बाद बिजली कट जाने से रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर आदि में जो भी सामान उसमें रखा हुआ होता है उनको पहले से अच्छे से आप टेस्ट वेस्ट कर जांच के तभी उसका यूज़, अगर वो खाने लायक है तो यूज़ करें, अदरवाइज उसको तो फेंक देना चाहिए कि अब तो उसमें क्या लॉसेस हो चुके हैं, क्या मिक्सअप हो चुका हो। तो ये था कि हम कैसे भूकंप से बच सकते हैं, क्या भूकंप का नुकसान है, क्या उसका फ़ायदा है, और कैसे हम उससे बच सकते हैं भूकंप से, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या उसका नुकसान होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, एंड इसके लिए